दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। अभी मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा कि आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे जैसे जैसे आपके साथ होगा वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। देख लो आपको क्या करना है, इस वीडियो में सीख लो, उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आपको उधर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अग्निवीर आर्मी का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा ही कंप्यूटर होगा, ठीक है, आपके सामने ऐसी ही स्क्रीन होगी। उसके सामने आपको दोस्तों जहां पर लिखा होगा, ठीक है, इंडियन आर्मी के बारे में, और जहां पर आपको दिखा रहा है कि आप अपनी जो कैटेगरी है मतलब किस पोस्ट पे आपने फॉर्म भरा हुआ है, जीडी का, ट्रेडमैन, क्लर्क का, जहां पर चुनने का ऑप्शन आएगा, अभी मैं आपको चुन के दिखाऊंगा। दोस्तों आपको जो एग्जाम देना है वो आपको ऑनलाइन देना है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दोस्तों माउस है, इससे ही आपको सारा एग्जाम देना है, ठीक है। आपको जहां हाथ लगा के जहां ऐसे इसको टच करके नहीं कर पाएंगे, ये माउस से ही आपको करना पड़ेगा। जिसको माउस चलाना नहीं आता मैं आपको बता दूं, माउस चलाना भी इजी है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ आपको जहां से इसको प्रेस वगैरह करना होता है, जब आपका एग्जाम होगा उधर मैम जो सर होंगे उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपको सिखा देंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, जहां से सबसे पहले अपनी कैटेगरी चुन लेनी है, जैसे कि हमें जीडी का एग्जाम देना है तो हमने जहां पर जीडी चुन लिया। अगर आपका क्लर्क ट्रेडमैन टेक्निकल का होगा तो आप चुन सकते हो, ठीक है। गो पे क्लिक कर देना है तो थोड़ा सा लोड लेगा जे, तो उसके बाद दोस्तों जहां पर आपको, ठीक है, अपना रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है। ये जो रोल नंबर होगा और ये पासवर्ड होगा ये आपके आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आ जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर साइन इन कर देना है, ऐसे आपके सामने फिर लोड होगा, तो आपको दोस्तों जहां पर कुछ बताया होगा जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, वैसे इसका कोई इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा इसकी क्या क्या जरूरत है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जहां पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। फिर जहां से दोस्तों आपको एग्जाम किस में देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में, जैसे कि हमें हिंदी में देना है, तो जहां से आपको ध्यान से ध्यान रखना, जहां पर आपको हिंदी चुनना है या इंग्लिश चुनना है जिसमें आप पढ़ाए तैयारी की होगी, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम में क्लिक कर देना है, ठीक है, फिर आई एम रेडी पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोड लेगा, ठीक है, थोड़ा सा लोड लेगा जे। दोस्तों उसके बाद आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जहां पर आपको टाइम दिया होगा, ठीक है, जहां पर आपका टाइम चल गया है, ठीक है, टाइम कम हो रहा है, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टाइम रहा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा पहला, जैसे कि हमें दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, इसका होता है बी पार्ट, ठीक है, या ए पार्ट, जो भी इसका आंसर होता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा आंसर है ए पार्ट, ठीक है। दोस्तों मैं माउस के साथ जहां पर ये कॉलम है इस पर क्लिक करूंगा, देखिए ये क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे सेव और नेक्स्ट करना है, जहां पर आपको दोस्तों सेव और नेक्स्ट करना है, तो जहां पर ये बता देगा कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है इसको मैंने छोड़ना है, ठीक है, किसी भी कॉलम में, जैसे कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, इन कॉलम में क्लिक नहीं करना है, तो आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, सेव और नेक्स्ट करना है, जहां पर आपको बता देगा कि आपने अभी तक दो क्वेश्चन चेक किए हैं, एक आपने क्लिक कर लिया है, एक कर लिया है, एक आपने छोड़ दिया है, ठीक है। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, ये आगे आपके 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए जो जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, अगर किसी लड़के को जैसे कि एग्जाम शुरू हुआ है, पहले ही मुझे साइंस के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको क्या करना है, जहां पर क्लिक करना है सीधा, जैसे एग्जाम शुरू होगा तो आपको जहां पर क्लिक करना है, तो आपके सामने दोस्तों जनरल साइंस के एग्जाम क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वो भी 25 ऐसे पहले कर सकते हैं। अगर किसी को रीजनिंग पहले करनी है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसे आपको कर लेना है, जहां पर आपको टाइम मिल जाएगा, देखिए टाइम पता चल जाएगा जब आपका हो जाएगा दोस्तों एग्जाम, ठीक है, जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जहां पर नीचे समेट का ऑप्शन आएगा, जब टाइम हो जाएगा कंप्लीट तभी आप इसको समेट कर सकते हो। इस प्रकार आपका अग्निवीर आर्मी का एग्जाम होगा। अब एग्जाम तो होगा, एग्जाम पास करने के लिए आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए, तो मैं लेके आ चुका हूं चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, इस बुक में आपको 2400 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये जीडी वाली बुक है दोस्तों, आपको ट्रेडमैन की भी मिल जाएगी, ठीक है, अगर किसी को ट्रेडमैन की चाहिए तो ट्रेडमैन की भी मिल जाएगी, अगर किसी को क्लर्क की चाहिए तो ये क्लर्क की भी बुक मिल जाएगी, इसमें भी बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, अगर किसी को टेक्निकल की चाहिए तो ये टेक्निकल की भी बुक मिल जाएगी, ठीक है, इन सभी बुक का लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्तों इस प्रकार आपका एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज की वीडियो बस इतना ही, जय हिंद।